हे गाइस, माय नेम इज अंकित एंड यू आर वाचिंग गैजेट कैप्सूल। आज हमारे पास में लॉजिटेक की तरफ से आने वाला लॉजिटेक एक्स प्रो हैंडसेट। ये एक गेमिंग हैंडसेट है और अगर आप अपने ऑडियो सेटअप को अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर आप परेशान हो चुके हैं, आपके फ्रेंड्स बोलते हैं कि आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, आपको फुटस्टेप अच्छे से नहीं आ रहे हैं, तो आप इसके जरिए उसको दूर कर सकते हैं। जानेंगे ये कैसा हेडफोन है, आपके लिए कैसा रहेगा, क्या खास चीज इसके अंदर मिल जाती है, क्या इसके अंदर कमियां है, वो सारी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, हम इस टाइप के वीडियोस डालते रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस हेडफोन की अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स के अंदर आपको हेडसेट मिल जाता है, उसके अलावा इसके अंदर आपको अपने मोबाइल के लिए केबल मिल जाती है, आपको अपने पीसी के लिए केबल मिल जाती है, एक डिटेचेबल माइक मिल जाता है, साथ ही एक यूएसबी डैक मिल जाता है जो कि साउंड कार्ड है। उसके अलावा इसको रखने के लिए एक पाउच भी आपको मिल जाता है कैरी करने के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। अब इसकी देखते हैं बिल्ड क्वालिटी। तो दिखने में काफी प्रीमियम लुक देता है, कंप्लीट आपको ब्लैक आपको दिख रहा होगा। रेट्रोफील के लिए यहाँ पे आपको जो वायर है वो ऐसा दिया हुआ है। उसके अलावा ऊपर की तरफ आपको कुशन मिल जाता है, साइड में देखेंगे तो सिल्वर एक्सेंट मिलता है, और जो ये ब्लैक आपको कलर दिख रहा है ये मैट फिनिश के अंदर दिया हुआ है। तो बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड फील होती है, और अगर आप क्लैंप फोर्स की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको कंफर्टेबल फील होने वाला है। और गेमर्स के लिए जो सबसे ज्यादा मेन चीज है वो है कंफर्ट। तो लंबे गेमिंग सेशन के अंदर, जैसे कि मैंने इसको 8-9 घंटे तक कंटिन्यू यूज किया, तो मुझे बहुत ज्यादा क्लैंपिंग फोर्स इसके अंदर लगा नहीं। आप इजीली पहन सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। मैंने 5-6 घंटे तक तो मुझे फील भी नहीं हुआ कि मैंने कुछ पहना हुआ है, क्योंकि लाइट वेट है, बहुत ज्यादा वेट नहीं है, और क्लैंप फोर्स कम होने की वजह से आपको ईयर्स में पेन भी नहीं होता है। और अगर आपने ग्लासेस भी पहने हुए मेरे जैसे तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो ईयर कप्स है वो भी मेमोरी फॉर्म है, तो वो भी कुशन आपको अच्छा खासा ईयर्स के ऊपर दे देता है। तो आप काफी घंटों तक इसको इजीली पहन सकते हैं, अगर आप मूवीज म्यूजिक वगैरह कुछ भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सबसे मेन चीज जो है इस माइक के साथ में वो है इसकी साउंड क्वालिटी। तो इसके साथ में आपको ब्लू वॉइस सॉफ्टवेयर मिलता है, तो अगर आप स्ट्रीमिंग करते हैं या सिर्फ गेमिंग वगैरह भी करते हैं दोस्तों के साथ में, तो काफी क्लियर आपको ऑडियो सुनाई देता है जो माइक के थ्रू में जाता है। कुछ इस टाइप का आपको सॉफ्टवेयर मिलता है लॉजिटेक हब, यहाँ से आप अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ये माइक्रोफोन का, यहाँ पर अभी तक ब्लू वॉइस इनेबल नहीं है, तो आप ये सुन रहे हैं, बट जब आप इसको इनेबल करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता लगेगा, आपको और भी आपको सेटिंग्स यहाँ पे दिखाई देंगी। यहाँ पर एडवांस कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको हाई पास फिल्टर, नॉइस रिडक्शन, गेट वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा, कंप्रेसर का ऑप्शन मिल जाएगा, लिमिटर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो भी आप रखना चाहते हैं सेटिंग वो रख सकते हैं। सेम यहाँ पर आपको जो आपके फेवरेट प्लेयर्स वगैरह हैं उनके ऑप्शन मिल जाएंगे, उनकी प्रोफाइल मिल जाएगी, तो वहां से आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं और अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। कोई और प्लेयर है आपका, कोई फेवरेट प्लेयर है, उसके हिसाब से आप अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे और सर्च का ऑप्शन भी मिल जाएगा। वहीं पर आपको ब्रॉडकास्टर, AM रेडियो, ब्रॉडकास्टर 2, FM स्टेशन, हाई वॉइस लाउड वगैरह की सेटिंग्स मिल जाती है, प्रीसेट्स मिल जाते हैं, तो आप उनके अंदर से अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं और आपका माइक जो पहले आप सुन रहे थे उससे बेटर परफॉर्म करेगा। मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा ये ऑप्शन, आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। जब इस सॉफ्टवेयर के अंदर देखेंगे तो आपको नॉइस कैंसिलिंग के लिए ऑप्शन मिल जाता है और भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इनको ट्वीक कर सकते हैं और अपने साउंड के अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको 50mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छा साउंड प्रोवाइड करते हैं, अगर आप मूवीज देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर गेम्स वगैरह खेल रहे हैं उनके अंदर भी। जो बेस है आपको ठीक सुनाई देता है, जो कि मिड्स हैं वो क्लियर हैं, और जो हाईज है वो भी आपको क्रिस्प सुनाई देता है। जो इसके अंदर माइक मिलता है ये डिटेचेबल माइक है और इसको आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। जो कि ब्लू वॉइस है उसके साथ में साउंड आपको काफी क्लियर सुनाई देगा अगर आप टीममेट्स वगैरह से बात कर रहे हैं तो। एक जो मेन चीज है आप गेमिंग करते हैं तो वो होता है कि आपको सराउंडिंग साउंड कैसा आ रहा है, आपको फुटस्टेप कैसे आ रहे हैं, अगर कोई नेड वगैरह फेंक रहा है या फिर कोई गन कहां से चला रहा है उसका साउंड, तो वो भी आपको इसके अंदर इजीली सुनाई दे जाएगा। कहां से किस चीज का साउंड आ रहा है वो आपको पता लग जाएगा, तो आपके लिए गेमिंग करना, FPS गेम्स वगैरह खेलते हैं वो इजी हो जाएगा। अगर आप अपना गेमिंग हेडसेट अपडेट करना चाह रहे हैं, इस हेडफोन को मार्केट में आए हुए काफी टाइम हो गया है बट अभी भी काफी यूजफुल है, प्राइस भी काफी अच्छी है। ये ऑलमोस्ट जो इसकी MRP है 18,000 के आसपास में, बट आपको ऑनलाइन ये 13,000 to 14,000 के अंदर मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी इस हेडफोन के बारे में सारी बातें, आपको कैसी लगी है? मुझे एक जो कमी लगी है वो ये कि जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर का सपोर्ट दिया हुआ है वो हार्डवेयर भी दिया जा सकता था, आपको अलग से डैक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट ठीक है, अगर आपको अच्छा माइक यूज करना है तो आप वो सॉफ्टवेयर ट्वीक करके देख सकते हैं। और उसके अलावा मुझे ऐसी कोई खासी इसके अंदर कमी नहीं लगी है, जो कि कंफर्ट है मुझे काफी अच्छा लगा इस हेडफोन का।
मैं लंबे आज तक गेमिंग कर रहा था और मैंने इसको पहन के भी रखा, काफी अच्छा फील हुआ। लाइट वेट है तो बहुत ज्यादा आपको हैवी फील नहीं होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, या फिर आपको सुझाव भी देना चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।